हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कनिष्का अपने ऑफिस से घर आकर बैग सोफे पर रखकर सीधा अपनी माँ के पास जाकर कहती है, मम्मी खाने में क्या बनाया है आपने? घिया और रायता बनाया है। क्या है मम्मी, घिया तोरी टिंडे के अलावा भी आप कुछ और बनाते ही नहीं है कभी? मेरा मन नहीं है ये सब खाने का। चुपचाप जो बना है ना वो खा ले। और हाँ, कल से ना तेरे नाम का खाना ही नहीं बनेगा घर में। हाँ तो सही है, फिर कोई अच्छे से सब्जी बना लिया करो ना, मेरा चावल खाने का मन था वैसे भी आज। खुद ही बना लिया कर, फिर खुद भी कुछ सीख ले। हाँ हाँ, थोड़ा आराम करके फिर बनाती हूँ। मेरा कुछ बनाने का मन ही नहीं कर रहा। साथ वाली चाची के घर जाकर पूछती हूँ क्या बनाया है उन्होंने। अरे बाहर क्यों जा रही है तू इतनी रात को? मम्मी मैं अभी आ रही हूँ, चाची के घर जा रही हूँ। कनिष्का अपनी चाची मंजू के घर जाकर बोलती है, मंजू चाची खाने में क्या बनाया है आज आपने? बेटा मैंने तो दाल चावल बनाए हैं, खा ले। दीदी ने क्या बनाया है? मम्मी ने तो आज घिया बनाया है जो मुझे कतई पसंद नहीं है। कोई नहीं, तू मेरे पास खा ले। ठीक है चाची, गुड नाइट। कनिष्का अपने घर आकर अपनी माँ से कहती है, मम्मी चाची ने क्या बढ़िया मजेदार दाल चावल बना रखे थे, मैं तो उंगलियाँ चाटती ही रह गई। अच्छा उंगलियाँ तो नहीं खाई तूने, अब तुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगेगा। दूसरों से मांग मांग कर खाना जो तुझे अच्छा लगने लगा है। दाल चावल खाने के बाद अपनी मम्मी की थोड़ी सी डांट खाकर कनिष्का सोने चली जाती है। अगले दिन सुबह उठकर वो तैयार होकर बोलती है, ऑफिस जा रही हूँ मैं। अरे खाना तो लेती जा बेटा, चाची ने जो रात को मुझे दाल चावल पैक करके दिए थे ना वही लेकर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मंजू कनिष्का को बुलाकर घर ले आती है और उसे दाल चावल बनाना सिखाती है, जिसके बाद कनिष्का अपने घर आकर भी दाल चावल बनाती है और अपनी मम्मी के साथ खाना खाने बैठ जाती है। तभी उसकी माँ खाते हुए बोलती है, बहुत बढ़िया खाना बनाया बेटा तूने, पहली बार इतना बढ़िया खाना बनाया ना कि पूछे मत। ऐसे ही कनिष्का को दाल चावल खाने का भारी शौक चढ़ जाता है और वो आए दिन दाल चावल बना बना कर खाती रहती। तभी उसकी माँ एक दिन कहती है, अरे अपने ससुराल वालों को क्या आए दिन दाल चावल बनाकर खिलाया करेगी, कुछ और बनाना भी सीख ले। मम्मी मैं कुछ भी बना सकती हूँ, सब कुछ आता है मुझे बनाना। चल सही है, कम से कम मेरे सर की भला तो टली, अब तू अपने ससुराल वालों को भूखा तो नहीं मरने देगी, कुछ तो बनाकर खिला ही देगी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद कनिष्का के लिए प्रदीप नाम के लड़के का रिश्ता आता है और लड़के की माँ तारा और पिता सुरेंद्र कनिष्का को देखकर कहते हैं, बेटा घर का काम और खाना बनाना आता है ना, क्या क्या बना लेती हो? जी सब कुछ बनाना आता है, सब बना लेती हूँ। मुँह बनाना तो नहीं आता ना छोटी छोटी बातों पर? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप, मेरी बिटिया बड़ी समझदार है। फिर तो बढ़िया है, चलो भाई हमें तो बहू बहुत पसंद है। क्यों तारा, अब आप बताओ कैसी लगी बहू? हाँ सही है बहू, तो आपको हमारा बेटा पसंद है तो शादी की बात आगे बढ़ाएं। हाँ हाँ हमें तो पसंद है, बस एक बार दोनों बच्चे आपस में बात कर लेते तो बड़ा बेहतर होता। प्रदीप और कनिष्का भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और घर वाले सही मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करा देते हैं। कनिष्का शादी करके अपने ससुराल आती है जहाँ पर उसकी सास गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ बहू अंदर आओ, बहुत सुंदर है, नजर न लगे तुझे किसी की, एकदम चांद का टुकड़ा है, आराम से अंदर आ जा। प्रदीप बहू को कमरा दिखा दे बेटा, जरूरत हो तो कुछ मांग लेना। ठीक है माँ जी। तारा कुछ देर बाद दूध का ग्लास लेकर अपनी बहू के कमरे में जाकर कहती है, लो बहू दूध पी लो फिर आराम कर लेना, और बताओ तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, आज हम वही बना लेंगे। माँ जी कुछ भी बना लो, मैं तो सब कुछ ही खा लेती हूँ। नहीं बेटा शर्माओ मत, आज से ये तुम्हारा घर है, बताओ बताओ। माँ जी दाल चावल बहुत पसंद है मुझे। चल आज तेरी पसंद से दाल चावल ही बना लेते हैं। तारा सबके लिए दाल चावल और रायता बनाकर टेबल पर रखती है। सभी टेबल पर आकर खाना खाने लगते हैं। तभी दाल चावल देखकर प्रदीप बोलता है, मम्मी आज दाल चावल क्यों बना लिया आपने, पनीर चाप या मलाई कोफ्ता ये सब बनाते ना। बेटा बहू को दाल चावल ही पसंद है इसलिए मैंने यह बना लिया,
खाना कैसा लगा बेटा तुझे? अच्छा है माँ जी। और दो बेटा? नहीं नहीं माँ जी, बस हो गया। और दो ना बहू, इतने में पेट थोड़ी भरा होगा, सही से खा लेना बेटा। अरे नहीं नहीं, सच में मेरा पेट भर गया बस। खाना खाकर सब अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बाद कनिष्का के हाथों की मेहंदी उतरते ही वो पूरा घर संभालने लगती है और खाना भी बनाती है। एक रात कनिष्का सबके लिए दाल चावल बनाती है। सभी खाना खाने बैठ जाते हैं, जिसके बाद खाना देखकर फिर प्रदीप कहता है, क्या बात है, लगता है आपको दाल चावल बात बहुत पसंद है। आज भी दाल भात चोखा ही बनाया है इसी खुशी में आपने। आत्मा प्रसन्न हो गई, बहुत अच्छा खाना बनाया है बहू ने। सच में बहुत ही अच्छा बनाया है तुमने दाल भात चोखा। एक्सपर्ट हो तुम, शेफ थी क्या पहले? इतना अच्छा खाना बनाना किससे सीखा? जी वो मैंने मेरी चाची से बनाना सीखा था। सच में बहू, तारीफ लायक है, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। तारीफ सुनकर कनिष्का बहुत खुश होती है, जिस पर उसे शगुन भी मिलता है। और ऐसे ही कनिष्का रोज दाल चावल बनाकर रख लिया करती। ये देखकर एक दिन खाने की टेबल पर बैठी तारा कहती है, बेटा रोज रोज एक ही चीज खाकर मन उब गया है, और कुछ बना लिया कर। रोज रोज दाल चावल सही नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज पूरा दिन वॉशरूम में थी मैं। यार पेट भी नहीं भरता रोज रोज चावल खाने से, इतने भी पसंद नहीं है। तारीफ क्या कर दी, तुम तो रोज रोज दाल भात बना कर रख देती हो। बाकी सब्जियां खत्म हो गई क्या? दाल दाल दाल, 24 घंटे दाल चावल ही मिलते हैं, तबीयत खराब करोगी सबकी। दाल ना हो गई, बीरबल की खिचड़ी हो गई, बस भी करो, बात को खत्म करो, कल से बना लेगी बहू, और तू आराम से बात करा कर। नहीं पापा जी, सही बोल रहे हैं। ऐसे ही गुस्से में प्रदीप खाना छोड़कर ऑनलाइन खाना ऑर्डर करता है और सबके लिए कढ़ाई पनीर मंगवा लेता है, जिसके बाद सब खाना खाकर आराम करने लगते हैं। और कुछ दिनों बाद कनिष्का के ससुर बोलते हैं, आज मेरा दाल चावल खाने का मन कर रहा है, बहू के हाथ के दाल चावल बनवाओ। बेटा आज तू दाल चावल बना ले, तेरे पापा जी का दाल चावल खाने का मन कर रहा है, मेरा भी कुछ बनाने का मन नहीं है वैसे भी आज। आज तो मजा आ गया, मेरे दिल की बात बोल दी पापा जी ने, आज तो मैं पेट भर के खाऊंगी। लेकिन माँ जी उन्होंने नहीं खाए तो? खा लेगा, अब तो बहुत दिनों बाद बन रहे हैं। शाम को खाना बनाने के बाद कनिष्का कहती है, खाना बन गया माँ जी। टेबल पर रख दो, सब आ रहे हैं खाने के लिए। वाह जी, आज तो दाल भात। ओ बबुआ, दाल भात खाई वो? तू सुधरेगा नहीं ना, बहू से पंगे लेता रहता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।